करवा चौथ वाले दिन ही सविता ने खतरनाक प्लानिंग कर डाली। इल्जाम है कि सविता ने पति शैलेश के खाने में जहर मिलाकर खिला दिया। तबीयत बिगड़ने पर घरवाले उसे अस्पताल ले गए, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। वहीं पत्नी पड़ोसी के यहाँ जाने का कहकर फरार हो गई। दिल दहला देने वाली ये वारदात यूपी के कौशाम्बी के इस्माइलपुर गाँव से सामने आई है। खबर है कि मौत से पहले शैलेश ने एक वीडियो बनाकर बयान दिया, जिसमें उसने बताया कि उसकी पत्नी ने उसे जहर दिया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने संदेही गुनाहगार पत्नी को अरेस्ट कर लिया है। पति पत्नी में हुए झगड़े के बाद सविता ने यह भयानक कदम उठाया। पुलिस जांच में जुटी है।